एक बात बताओ, कब से बोलता आ रहा हूँ सब्सक्राइब करो, करते क्यों नहीं? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो यूट्यूब चैनल खोला नहीं कि उसके 40 मिलियन करवा दिए तुम लोगों ने। खैर, नाराजगी वगैरह तो अपनी जगह पे चलती रहेगी, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब से मेरा न्यू मेंटोर ऑफ यूट्यूब इज गोइंग टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बंदे ने यूट्यूब चैनल खोला, एक साथ वीडियो डाले, पूरी एल्गोरिथम की पुंगी बना के रख दी। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, जैक स्नाइडर भाई साहब से पूछा गया कि आपका रूसो ब्रदर्स के बारे में क्या ख्याल है, सिंस अब वो वापस आ चुके हैं एमसीयू में बड़ी बड़ी एवेंजर्स मूवी बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दे आर ग्रेट गाइस, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देम, काफी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ कूल जरूर करेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है चीजों को हिलाने का। आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं जैक भाई, आप अपना बताओ क्या कर रहे हो। अच्छा, ट्वेलाइट ऑफ गॉड्स, जिसका ट्रेलर अभी रिसेंटली रिलीज कर दिया गया नेटफ्लिक्स पे, 19 सितंबर को ये आ जाएगी और एनिमेटेड है, लेकिन खूबियां पूरी समझ जाओ। बस इतना कहूंगा कि जैक भैया अपने एमसीयू में ना होने की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं एनिमेशन के स्टाइल में अपने तरीके से। तो ब्रायन कॉक्स ने रिसेंटली कहा कि सिनेमा काफी बुरी हालत में है, लोगों को काम भले ही मिल रहा हो, पिक्चरें भले ही काम कर रही हो, लेकिन सारी की सारी सुपर हीरो मूवीज है और अच्छी बात है, लोगों का पॉकेट फुल रहता है उससे, लेकिन आगे जाकर सब कुछ डायल्यूट हो जाता है और फिर एक पॉइंट पे लोगों को काम भी मिलना बंद हो जाता है और कोई भी सिनेमा को अप्रिशिएट नहीं करता। एक्समैन 2 याद है आपको, उसमें यही स्ट्राइकर बने थे। तो फिर नाराजगी किस बात की? डेडपूल एंड वुल्वरीन के फीता काटो समारोह में आपको नहीं बुलाया ना। वहीं दूसरी तरफ मेगन, अगर आप लोगों ने वो एंड्रॉइड रोबोट वाली मूवी देखी थी, तो उसी का एक और स्पिन ऑफ बनने जा रहा है जिसका नाम है सोलमेट, जिसमें क्लॉडिया डुमोंट को कास्ट कर लिया गया और इसकी कहानी कुछ कुछ ऐसी होगी कि एक आदमी जिसकी धर्म पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है, मतलब चली ही जाती है, उससे कोप अप करने के लिए ये एक रोबोट को अपने घर में लाते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अकेलापन भी लोगों से क्या क्या करवा लेता है, लिखी किसने होगी ये पिक्चर। फिर वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन से किसी ने पूछा कि भाई साहब आप एक बात बता दो कि आप अगर अपनी किताबों के बारे में कुछ भी बदल पाते तो वो क्या होता। तो उन्होंने कहा अगर मुझे कुछ भी बदलना होता तो सिर्फ एक ही चीज बदलता और वो ये है कि उनको खत्म क्यों नहीं कर पाया मैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी से चल बसे, इसका मतलब ये भी ब्लेड की तरह कभी नहीं आएंगी। फिर टॉड फिलिप्स से किसी ने जोकर 3 के बारे में पूछा, 2 आई नहीं है, पहले 3 के बारे में पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसके आगे कुछ नहीं बना रहे, जो हमको बोलना था इस दुनिया में सब कुछ बोल दिया और कहानी आगे बची नहीं है। यही सेम लाइन आपने पार्ट 1 के बाद भी बोली थी कि कोई पार्ट 2 आएगा नहीं, अब देखो देखो कैसे कहानी निकल के आ गई। फिर जैक ब्लैक और पॉल रड शायद हो सकता है कि एक एनाकोंडा मूवी में काम करे। इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा कि कई सारे दोस्त जो मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं वो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जाकर अपनी छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एनाकोंडा से। पहली बात तो ये कि अगर आपने पिक्चर में जैक ब्लैक को ले लिया तो एनाकोंडा को लेने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि मिड लाइफ क्राइसिस मनाने के लिए कोई रेन फॉरेस्ट में जाएगा क्या, वो भी अमेज़न के? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट यह है कि इसीलिए जंगलों में जा रहे हैं क्योंकि इनको अपने बचपन की फेवरेट मूवी एनाकोंडा का रीमेक बनाना है पिक्चर के अंदर। अकेले क्यों गए, अजय देवगन को भी ले जाते, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। फिर ऐसा सुनने में आया कि फ्रोजन 3 और फ्रोजन 4 पे एक साथ काम चल रहा है। इनफैक्ट इसके राइटर्स ने कहा कि हमको समझ में ही नहीं आता कि कौन सी पिक्चर है, कभी एक कमरे में गए तो फ्रोजन 3 चल रही है, कभी दूसरे कमरे में गए तो फ्रोजन 4 चल रही है। तो बोलूंगा होता है भाई, जिंदगी में सब चीजें, लेट इट गो। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन 1 पे असिस्ट करने वाले लेकिन क्रेडिट ना मिलने वाले मैट टॉमलिन, जो कि बैटमैन 2 की कहानी भी लिख रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि बैटमैन 2 की शूटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है 2025 में, जल्दी इन लोग का कुछ महीनों बाद होता है। और उन्होंने कहा कि बार बहुत हाई सेट हो चुका है, मैट रीव्स जो है एक ऐसे दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर आर्ट की उतनी कदर नहीं करी जाती। हम बैठे किस लिए, हम किस लिए बैठे? लेकिन फिर साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट को भी वापस लेके आ ही रहा हूं, क्योंकि Gamescom नाम का एक इवेंट हुआ जिसमें कई सारे नए नए गेम्स अनाउंस कर दिए गए, और वैसे तो इसमें काफी सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन मेरी सबसे पहले नजर गई Kong Survival Instinct नाम के गेम के ऊपर, जिसको अभी अनाउंस किया गया है, और इसके सिनेमैटिक कटसीन को देखकर मेरे को ऑर्गेजम आ ही रहा था कि तभी इसका गेम प्ले देख लिया, झटके झटके लग गए दिमाग को, बट देन थोड़ा बहुत कंपेंसेशन भी डिलीवर किया कुछ कुछ थोड़े बहुत ठीक ठाक गेम्स अनाउंस करके, जिसमें से माफिया का नया पार्ट द ओल्ड कंट्री था, उसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, प्रोबेबली इटली में टेक प्लेस करेगा, जो फॉर अ चेंज एक डिफरेंट ओपन वर्ल्ड सेटिंग है। लेकिन फिर अनाउंस हुआ सीक्रेट लेवल नाम का एक शो, Gamescom में एक एनिमेटेड शो अनाउंस किया जाता है, और आप सोच में पड़ जाते हो कि इसका गेम से क्या कनेक्शन हो सकता है, बट देन जब इसकी फुटेज दिखाई गई तो वी गॉट टू नो कि ये एक्चुअली एक एंथोलॉजी सीरीज होगी ब्लैक
मिरर की तरह, और इसका एक एक एपिसोड प्रोबेबली अलग अलग गेम से कनेक्टेड होगा, जैसे कि आर्मर्ड कोर जिसमें कियानु रीव्स है, फिर पैकमैन, फिर वॉरहैमर, और सबसे खतरनाक गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि इसमें हमको क्रेटोस देखने को मिलता है। खैर, तो ये शो 2025 में कभी डेब्यू करेगा प्राइम वीडियो पे, आई एम कंप्लीटली एक्साइटेड फॉर इट। और इसी हफ्ते ब्लैक मिथ वुकोंग नाम का एक गेम रिलीज हुआ जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। सबसे पहले इसने स्टीम पे हाईएस्ट कॉन्करेंट प्लेयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 2 मिलियन था, मतलब एक टाइम पर इस गेम को 2.2 मिलियन लोग खेल रहे थे, मां मछली का। और जैसे कम है तो इसके रिलीज के कुछ ही घंटों में इसने 10 मिलियन कॉपीज बेच दी। फॉर कॉन्टेक्स्ट, असासिन्स क्रीड वल्हाला को यही काम करने में कई महीनों लग गए थे। तो इससे क्या सीखने को मिला, मोहित वर्स पे आओ स्ट्रीम देखो। स्पीकिंग ऑफ विच, तो एरिन मोरियार्टी जो कि द बॉयज में स्टारलाइट का रोल प्ले करती है, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या तमन्ना है। तमन्ना है पूछी जा रही है सब, सॉरी पाटिया जी। तो उन्होंने कहा कि इस सीजन में डीप को मारना चाहती हूँ, और तो कुछ नहीं, डीप मेरे हाथों खत्म हो जाए, बस ये मेरे को बेयर मिनिमम दे दो, फॉर गॉड सेक इतना तो कर दो। उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे अरमान लगाने की जरूरत नहीं है, एक आध छोटा मोटा सूप मारने को मिल जाए वही काफी है, अभी तक तो वो काम भी नहीं किया, पिछले सीजन में कर देती ना अगर यही करना था तो, सामने तो पड़ा हुआ था। फिर रिसेंटली एंड्रिड सपोस्की जो कि विचर के लेखक है, उन्होंने रिसेंटली ये बात कंफर्म करी कि उन्होंने 2 सालों में एक और नई किताब लिख दी है जो विचर सीरीज में 7वीं किताब होगी, और ये एक स्टैंड अलोन कहानी है जो सिर्फ गेराल्ट के ऊपर फोकस करेगी। शर्म करो आरआर मार्टिन, सपो भाई ने इधर 6 किताबें 15 छोटी कहानियां लिख के पटक दी, वहां आप अपनी इच्छाओं में भी किताबें खत्म नहीं कर पा रहे हो। फिर बेन एफ्लेक का एक और तलाक हो गया, अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो यही कहेंगे ऑफ कोर्स कि जेलो मत, बराबरी करो। फिर वहीं शांग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटिन, अगर आप नहीं जानते तो नारुतो की लाइव एक्शन मूवी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कहानी बड़ी सिंपल होने वाली है जो नारुतो के ऊपर फोकस करेगी विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिग ओपन वर्ल्ड। क्या डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपन बिग, पहली बात तो ये कि नारुतो के बिग वर्ल्ड से कोई डिस्ट्रैक्ट हो कैसे सकता है, सीधे सीधे बोला ना तुमको शांग-ची 2 बनाने को नहीं मिली तो शांग-रुटो ची बना मारी। फिर इसके बाद हॉलीवुड हल्क होगन जो WWE के सुपरस्टार है, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही थी तो उसको स्क्रैप कर दिया गया है। इसमें हल्क होगन का रोल क्रिस हेम्सवर्थ प्ले करने वाले थे, लगता है मेकर्स ने थॉर लव एंड थंडर सॉरी वो देखने के बाद तो गोली मजाक कर रहा। तो इसके पीछे का रीजन अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि हल्क होगन जो है वो अपने स्टेटमेंट्स को लेकर बिल्कुल कैंडिड होना पसंद करते हैं, इसी वजह से जब माइक मिला कुछ भी बोल दिया करते हैं इस, तो मेकर्स ने सोचा कि अब पिक्चर ना ही बनाया तो अच्छा है। फिर डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन में रीबॉर्न होने वाले चार्ली कॉक्स, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि अगर आप बॉर्न अगेन से 1-shot सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो करो क्योंकि आपको देखने को मिलेगी। ब्रो हैज कुक्ड सम पीक इनकमिंग, बस वो शीहल का थोड़ा देख ले, मतलब हमको मत दिखाना, हम तो देख ही चुके हैं जितना देखना था एक जन्म में, आप अपने हिसाब से देख। वहीं चार्ली भाई ने यह भी कहा कि वो डेयर डेविल को स्पाइडरमैन के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी। पहली बात तो ये बता दो कि कौन सा पत्रकार है जो डेयर डेविल और देखना वर्ड एक ही लाइन में यूज कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पता चला कि विजन का नया शो आने वाला है जिसके बारे में हम लोग काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि आखिरकार वो सफेदा विजन उड़ के गया कहां, तो वो उसके शो में पता चलेगा। वैसे तो अब ये 2026 में रिलीज होगा, लेकिन इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स कंफर्म कर दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला जेम्स स्पेडर का अल्ट्रॉन है। जी हाँ, ये वही है जिसको हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में आखिरी बार देखा था और फिर व्हाट इफ में भी, लेकिन इसके रोल को रिप्राइज करने के लिए अब जेम्स स्पेडर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन रिटर्न करने वाले वो अकेले नहीं होंगे क्योंकि उनका साथ देंगी एलिजाबेथ ऑल्सन, क्योंकि वो इस शो के लिए रिटर्न कर रही है एज वांडा मैक्सिमॉफ। पता नहीं अचानक से बड़ा एक्साइटेड सा फील कर रहा हूं इस वाले शो के लिए अंदर से। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्साइटमेंट, तो जश्न की तैयारियां करवाओ क्योंकि हमारा पुराना वाला सिडनी स्वीनी सिंपिंग सेगमेंट एक बार फिर से वापस आ चुका है। बिकॉज ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि रूमर है अभी तक, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिडनी स्वीनी को स्पाइडरमैन 4 के लिए ब्लैक कैट के रोल में कास्ट किया जाने वाला है। ब्लैक कैट और कुछ भी नहीं, ब्लैक कैट। लो मिल गया जो चाहिए था, बस ए बिलियन कमीनो। और मैं तो यही बोलूंगा बस कि ऐसी ही आइकॉनिक और ग्राउंडेड स्टोरीज ही तो चाहिए हमको स्पाइडरमैन 4 में। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि एवेंजर्स 5 में शांग-ची एक मेजर रोल में देखने को मिल सकता था जो कि प्रोबेबली एक टीम को भी लीड करता था। से आपका क्या मतलब है, अब नहीं बन रही क्या, अभी करवा लो। अच्छा, अब तो RDJ वाला अलग हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ विच, RDJ डूम बनने के बाद पहला इंटरव्यू देने के लिए आया और उनसे सबसे पहले ऑब्वियसली यही चीज पूछी गई कि आपका इस पूरी चीज पे क्या कहना है, अब आप इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे।
तो आरडीजे ने सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया कि ये जो डूम है ये उनके टोनी स्टार्क कैरेक्टर से काफी डिफरेंट होने वाला है। कि केविन फाइगी ने आरडीजे से कहा कि व्हाट इफ यू रिटर्न, और उनकी वाइफ ने कहा कि रिटर्न कैसे, एंड इसके रिस्पांस में वो लोग बैक एंड फोर्थ होते रहे तब तक जब तक वो लोग डूम पे आकर सेटल नहीं हो गए। एंड देन आरडीजे ने डूम के बारे में पढ़ना शुरू करा एंड ही रियलाइज्ड कि वो कितना खतरनाक इंसान है। ठीक है, अगर आप देवता को इंसान बोलते हो तो वैसे ही सही। तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर वो लोग काम करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि कैसे वो वापस पीछे ना जाए, मतलब जो चीज हो चुकी है उसको दोबारा से लेकर ना आए, विच एक्चुअली मींस कि टोनी स्टार्क का आयरन मैन शायद उन्होंने जहां छोड़ा था उसकी लेगेसी को वो टच नहीं करना चाहते मोस्ट प्रोबेबली। फिर कैसे वो एक्सपेक्टेशंस को डिसअपॉइंट ना करते हुए उन्हें बीट करें, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा उनके लिए, एंड दैट इज हाउ दे वांट टू हैंडल डूम। सो या बाय द लुक्स ऑफ इट इतना समझ में आ रहा है कि आरडीजे जब डूम के कैरेक्टर में आ रहे हैं तो वो टोनी स्टार्क की तरह नहीं आएंगे, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सोना होगा, एंड दैट इज व्हाट आई पर्सनली वांट। कि हम लोग जब डॉक्टर डूम को देखें तो वो हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसमें हमको टोनी स्टार्क की उतनी झलक देखने को ना मिले, और अगर कॉल बैक्स भी करने हैं तो उनको बहुत ही स्मार्टली यूज किया जाए, सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं। बिकॉज आई वॉन्ट डूम To be God Emperor Doom, ना कि Iron Man का या Tony Stark का कोई और वेरिएंट। तो चलता हूं, अपने गुरु के नाम पे नीचे सब्सक्राइब का बटन टच करना मत भूलिएगा और लाइक वाइक कर देना, क्या पता आपको भी बैलून दो और मिल जाए। जय रोनाल्डो।